नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बी एल एस इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में इससे पहले भी मल्टीपल टाइम वीडियो बनाकर आपको बी एल एस इंटरनेशनल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुके हैं चाहे वो फंडामेंटल हो टेक्निकल हो स्टॉक एनालिसिस हो कंपनी के विज़न से रिलेटेड हो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या कंपनी के बारे में हो कि कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग और पासपोर्ट में कंपनी मार्केट लीडर है अगर करंट बात करें तो 500 करोड़ का कंपनी के पास कैश अवेलेबल है रिच कंपनी है 2025 का कंपनी का एक्सपेंशन आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है इससे पहले आपको अपडेट दिया था जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक फिनटेक कंपनी है जिसको एक्वायर किया था बी इंटरनेशनल ने एक करोड़ में इसके साथ साथ एफ सैंड कैपिटल नेक्सपेक्ट लिमिटेड सिक्सटीन स्ट्रीट कैपिटल जैसे बड़े बड़े फंड हाउसेज़ ने बी इंटरनेशनल में स्टेक लिया था वो कवर किए थे साथ साथ हमने आपको बताया था कि नमोहरा सिंगापुर ने 11 जुलाई 2022 को 12 लाख पचास हज़ार शेयर बाई किए थे हम लग लगभग लगभग पचासी नब्बे रुपए से वीडियो बनाकर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते आए हैं और वहां से स्टॉक ने साढ़े तीन सौ से चार सौ रुपए का हाई लगाया और लोगों ने प्रॉफिट किया फिर कंपनी ने वन इंस टू वन का बोनस दिया यानी कि यदि आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर फ्री में दिया जाएगा इस तरीके से कंपनी ने दिया जर्मन एम्बेसी से सात साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिला मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका की वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए तो डिस्कस करेंगे इस डेप्थ फ्री कंपनी के तीसरे तिमाही के नतीजों के बारे में क्योंकि तो यहाँ पर नतीजों में भी जो कंपनी का अस्सी मुनाफा बढ़ने का नतीजा आया है और आउटसोर्सिंग वर्क में और भी ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है न्यू टेंडर पे बिड कर रही है कंपनी यानी कंपनी के लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है वो ओपन आउट है इस बार के बजट के एनालिसिस करें तो बजट में टूरिज्म सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा क्योंकि बजट के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया देखो अपना देश कैंपेन जहाँ सर जी कंट्रीब्यूशन और टूरिज़्म के लिए काफ़ी फोकस किया और आने वाले समय में डिमांड और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है अनुमान है 2005 से कंपनी कारोबार कर रही है दुनिया भर की सरकारों और डिप्लोमेटिक मिशन पर कंपनी टेक स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है दुनिया की तीन सबसे बड़ी कंपनी में से एक है 17 साल से ज़्यादा का अनुभव है वीज़ा पासपोर्ट और सिटीजन सर्विसेज के लिए कंपनी काफ़ी अच्छा कारोबार कर रही है तो आ जाते हैं ऑफिशियल लेटर भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं बी इंटरनेशनल का सात फरवरी दो को कंपनी ने एन एस और मेट्रोपोलिटियन स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट दिया साथ साथ न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है तिमाही नतीजों को लेकर जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ऑल एडिशन और दिल्ली एडिशन की हिंदी लैंग्वेज में भी पब्लिश हुआ है तो आपको लेके आ जाते हैं बी इंटरनेशनल के क्वार्टर रिजल्ट पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुई है जहाँ पर मैनेजमेंट ने जो जो एनालिसिस किया है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात तो ये कंपनी ने डिलीवर किया है हाईएस्ट ईयर ईवर ऑपरेशनल रेवेन्यू जो कि है 438 करोड़ का और हाइस्ट ईवर क्वार्टरली ईबीटा जनरेट किया है 66.3 का जो कि क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2023 में है और कॉन्सोलिटेटेड जो रेवेन्यू की अगर बात करें तो कॉन्सोटेटेड रेवेन्यू में 92.9 परसेंट की जंप देखने के लिए मिल रही है ईयर ऑन ईयर वहीं अगर बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर तो 22.7 परसेंट की जंप देखने के लिए मिल रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर वहीं अगर बात करें ईविटा की जी हाँ फ्रेंड्स ईविटा की बात करें तो कंपनी के इविटा में भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है अगर हम बात करें ईविटा ईयर ऑन ईयर तो वन परसेंट की इविटा में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करें तो सिक्सटीन की ग्रोथ देखने के लिए मिली है इविटा में क्वार्टर एंड क्वार्टर यानी कि क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है देखिए जो मेन ड्राइवर है रेवेन्यू का पहले चीज़ स्टडी रिकवरी हुई है वीज़ा के अंदर जो वीज़ा प्रोसेसिंग का कंपनी काम करती है उसमें बहुत तगड़ी रिकवरी हुई है और जो इनका काउंसिलर का बिज़नेस है उसमें भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देखने के लिए मिल रही है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जेड एम पी एल से इंक्रीज हुआ है देखिए जेड एम पी एल क्या है जीरो मार्स प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट आया है और इससे पहले वीडियो बनाकर भी इसके बारे में हमने सूचना दी थी जो एनालाइज रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें भी कंपनी का काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है ट्वेंटी एट पॉइंट फोर परसेंट का चूँकि पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए किसी भी बिजनेस के लिए और वहाँ के शेयर होल्डर्स के लिए अब आ जाते हैं बी एल एस इंटरनेशनल के मेजर अपडेट को लेकर देखिए मेजर अपडेट

क्वार्टर थ्री रिजल्ट है 2022 का और ये क्वार्टर थ्री रिजल्ट है 2021 का इन दिनों दोनों से कंपेयर भी कर देंगे पहले देखिए जो भी वैल्यू जहाँ गिवन है वो लैक में है लेकिन मैं करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ तो कंपनी ने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किया है वो चार करोड़ का किया है लमसम लमसम यहाँ पर आप देख सकते हैं चार करोड़ वहीं इससे पिछले साल का जो क्वार्टर था वहाँ पर था दो करोड़ तो यहाँ पर आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि, कि किस लेवल की ग्रोथ है जो कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो दस करोड़ का है और यहाँ पर इकतालीस करोड़ का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में भी फोर एक्स की जम देखने के मिली है वहीं आप यहाँ पर ईपीएस देख सकते हैं जीरो पॉइंट सिक्स नाइन पैसे का यहाँ पर एक रुपये तेईस पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया है तो कंपनी की जो प्रॉफिबिलिटी है काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है काफी ज्यादा प्रॉफिबिलिटी बढ़ी है इस चीज को देखने के लिए मिला है ये बी एल एस इंटरनेशनल के मेजर रिसेंट अपडेट है और मैनेजमेंट ने ये अपडेट दिया बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे साझा करेंगे थैंक यू फ्रेंड